साथियों, स्वागत है सभी हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, कक्षा 6 से 8 तक शिक्षण कराने वाले शिक्षकों के लिए जो यूनिलर्न साइट है उस पे ट्रेनिंग चल रही थी, और उसी में एक नया जो अपडेट है वो अभी आया है, तो उसकी जानकारी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले तो एक लिंक है जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया है, या फिर जो पुराने वीडियो है उनमें आपको लिंक मिल सकता है। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो वीडियो लिस्ट है उसमें आपको कक्षा 6 से 8 तक शिक्षण कराने वाले जो शिक्षक हैं उनके संबंधित वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं लिंक के बारे में। यहाँ जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है http://bit.ly, इस पे हम क्लिक करते हैं। कोई भी ब्राउज़र आप चुन लीजिएगा। यदि आपके पास MI का फ़ोन है तो MI ब्राउज़र, या फिर क्रोम ब्राउज़र आप चुन सकते हो, जैसे भी आपकी चॉइस है। उसके बाद में शर्त यह है कि आपको सही जो नेटवर्क कवरेज एरिया है उसमें उपलब्ध रहना पड़ेगा, जिससे कि आपकी साइट सही तरीके से चले। उसके बाद में जो अपनी निक आईडी है उसको आपको लॉगिन और पासवर्ड दोनों के रूप में डालना पड़ेगा। उसके बाद में आप साइन इन करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें पुराने वीडियोज़ में भी बताई जा चुकी है और दोबारा रिपीट हो चुकी है। अब देखिए, जो यूनिलर्न साइट है वो हमारे सामने खुल चुकी है, और जो नंबर दिवसीय प्रशिक्षण है उसका जो इंटरफेस है वो हमारे सामने है। तो इसमें चलिए एंटर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंटरफेस हमको दिखाई दे रहा है इसमें सारी की सारी जो ग्रीन लाइंस है वो दिखाई दे रही है। तो नई चीज़ क्या आई है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो साथियों, मॉड्यूल 1 तो जो था वो पहले कंप्लीट हो चुका। अब मॉड्यूल 2 की हम बात करेंगे। मॉड्यूल 2 में जो मॉड्यूल का परिचय और मॉड्यूल पूर्व परीक्षण, एक तो ये है, और उसके बाद में मॉड्यूल 2.17.2.1 कैरिकुलम और सिलेबस के बारे में दिया गया है। ये दो मॉड्यूल नए आए हैं, तो इनके बारे में हम जानकारी करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। इसकी ड्यूरेशन 60 मिनट है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे जैसे आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं ओपन हो जाएंगे। उसके बाद में हम परिचय पे क्लिक करेंगे। परिचय पे क्लिक करने के बाद में इसमें कुछ डिटेल्स है जो आपको सही ढंग से पढ़नी है। उसके बाद में मॉड्यूल का परिचय और मॉड्यूल पूर्व परीक्षण, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक ग्रीन लाइन का सही टिक मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये मॉड्यूल मैंने कर लिया है। तो आप लोगों को भी यही ध्यान रखना है कि जब तक ग्रीन मार्क न आए तब तक आपको ये कार्य करना है। उसके बाद में बैक लेने के लिए कहीं नहीं जाना है। इसके नीचे ठीक एक टैब दी हुई है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसी तरीके से सारे काम करने हैं। जिस भी विषय के आप शिक्षक हो उसी विषय के लिए जो मॉड्यूल पूर्व परीक्षण है, जैसे हिंदी है, सामाजिक ज्ञान है, गणित और विज्ञान, ये चार के चार जो सब्जेक्ट है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद में जो अगले सत्र से पहले टेप दी गई है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, थोड़ी सी सूचनाएं हैं जो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में बैक टेप पे दबाएंगे। इसी तरीके से सारी की सारी जो ट्रेनिंग है जो पिछली ट्रेनिंग थी उसके समान ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। उसके बाद में बैक टेप से हम वापस वहीं चले जाएंगे, मॉड्यूल 2 पे। मॉड्यूल 2 पे जाने के बाद में हमको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। साथियों, एक बात और बता दें, यदि आप का जो बैक टेब है वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो आपकी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ मैं राउंड करके दिखा देता हूँ कि जो दाएं साइड में 3 डॉट्स दिखाई दे रही हैं वहाँ हम क्लिक करेंगे।
और उसके बाद में जो बीच में स्क्वायर का जो चिन्ह है उस पर हमको क्लिक करना है। ये जो स्क्वायर का चिन्ह है इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको जो मेन मेन्यू है वहाँ पर ये ले जाएगी। यहाँ मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो देखिए मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। इसलिए यदि आपकी जो बैक टैब है वो काम नहीं कर रही है तो आप इसका भी काम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 2 सत्र 2.1 पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुल के आता है। अब साथियों खंड 2.1.1 शुरुआत पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए जो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा है, तो हमको इसको खोल के देखना पड़ेगा। ओपन करेंगे हम इसको, चलिए ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हम मनन यात्रा शुरू हो गई है। इस वीडियो के ऊपर प्ले का जो चिन्ह है वो हम दबाते हैं। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है, उसके बाद में जो अच्छी चीज़ें हैं जो नोट करने लायक है वो अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं आप। उसके बाद में वैसे ही बैक टैब दबानी है। तो ये जो शुरुआत है ये हमने पूरी कर ली है। तो साथियों ये देखिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के ऊपर जो ग्रीन राइट का चिन्ह है वो आ चुका है, इसका मतलब ये कार्य हमने कर लिया है। उसके बाद में हम बैक टैब दबाते हैं। जैसे ही हम ऊपर वाली टैब कंप्लीट कर लेंगे नीचे वाली जो टैब है वो स्वतः ही खुल जाएगी, और इस टैब को खुलने के बाद में हम उसके नीचे वाली टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएँ, यहाँ पर हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं हिंदी सामाजिक विज्ञान गणित और विज्ञान। तो ये जो संबंधित शिक्षक है वो इस पर करेंगे, उसके बाद में बैक टैब दबाएंगे, उसके बाद में मेन मेन्यू में जाने के लिए सेम टू सेम वही प्रोसेस हमारी जारी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ और साइन हैं जो आपको देखना है। ऊपर वाले चिन्ह में तो जो ग्रीन लाइन आ रही है ये है, तो इसका मतलब है ये मॉड्यूल का जो सत्र है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में मॉड्यूल 2 का जो सत्र 2.1 है इसमें रेड कलर की लाइन है और वो अधूरी है, इसका मतलब ये हमने कंप्लीट नहीं किया है। तो जो प्रोसेस है हमारी उसके अनुसार ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो साथियों ये थी यूनिलर्न साइट के ऊपर जो कक्षा 6 से 8 स्टडी कराते हैं उन शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग। वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को लाभ हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।